हेलो, वेलकम बैक इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मिलेगा। एक्चुअली फाइल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस किया जा चुका है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ने हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, जैसे कि लीनियस का क्लासिफिकेशन। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, जिसमें सारे मैक्सिमम नोन एंड पॉसिबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेबल और सबका फेवरेट बेंथम हुकर सिस्टम, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस को भी ऐड किया जाता है, यानी कि वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड देयर इवोल्यूशनरी ऑर्डर। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि चेरोफाइट, ब्रायोफाइट, लाइकोफाइट, फर्न, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इवोल्यूशन के बढ़ते हुए सिक्वेंस में है। ये दिस वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड दिस वन इज द मोस्ट एडवांस प्लांट। ओके, तो यहां पे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, दैट इज एंगलर पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले प्रपोज्ड किया गया था, सबसे पुराना है, नोन है, एक्सेप्टेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीएससी के कोर्स में इस साल इसे ऐड किया गया है, बाकी सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो आपको फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ना है, दैट इज एंगलर पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर इज द डेफिनेशन। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेनी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, मेनी टेक्सोनॉमिक येट मेनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी ऐड करते हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट का क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है ब्रायोफाइट से, पहले कौन आएगा, ब्रायो आएंगे कि पहले टेरिडो आएंगे। अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करेंगे तो पहले डाइकॉट्स आएंगे कि पहले मोनोकॉट्स आएंगे, ठीक है। इस तरह के जेनेटिक रिलेशनशिप को अगर हम एग्जामिन करते हैं तो इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्लर का क्लासिफिकेशन, देन एंगलर पैरेंटल सिस्टम, बेसे सिस्टम, वेटस्टेन सिस्टम, हाइलर सिस्टम, हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कॉर्नक्विस्ट सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम हैं, जिसमें से कि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एंगलर पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, एंगलर एंड पैरेंटल, ये दो महान साइंटिस्ट हैं, महान टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम को प्रपोज्ड किया था। नाउ इंट्रोडक्शन, दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय एल्डॉर्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रेंटल। ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसको इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया था, जो कि जर्मन लैंग्वेज में है। इसके 23 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, इन्होंने अपना टोटल क्लासिफिकेशन जो है वो 23 वॉल्यूम्स में दिया था। इनकी बुक का नाम था डी नेचुरेस चेन प्लेंज फैमिलियन, जो कि 1887 से लेके 1899 तक पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट, इसे मॉडिफाइड किया था एंगलर एंड ग्लिंग ने सेलेबस डर प्लेंज फैमिलियन के नाम से, जो 10th एडिशन आई थी इनके बुक की इन 1924। यानी कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर पैरेंटल ने, बाद में 1924 में इसे मॉडिफाइड किया था एंगलर एंड ग्लिंग ने। ओके, एंगलर पैरेंटल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट
दे क्लासिफाई एंटायर प्लांट किंगडम, इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया था। जबकि जो नेचुरल सिस्टम है बेंथम हुकर का, उसको आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज ऑफ सीडेड प्लांट यानी कि एम्ब्रियोफाइटा, लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर पेरेंटल हैज बिन क्लासिफाई एल्गी टू एंजियोस्पर्म, एंटायर प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था। एंड इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस पे, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे, इवोल्यूशन को भी कंसिडर किया गया था इसमें। ओके, दिस इज द बुक ऑफ एंगुलर पेरेंटल, ये इनकी 23 वॉल्यूम्स की किताबें हैं जिसमें कि सारा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा है। नाउ अब हम बात करेंगे एक जनरल आउटलाइन की। देखिए एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट है आपको कि कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके कुछ ट्रेंड्स होते हैं कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बहुत सारा प्लांट है आपके पास, आपको नहीं पता है कि कौन से डाइकॉट्स हैं कौन से मोनोकॉट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? हम उसके सीड को देख सकते हैं, अगर सीड में एक कॉटिलीडन है तो हम उसे डाइकॉट मोनोकॉट बोल सकते हैं, अगर सीड में दो कॉटिलेडन है तो हम उसे डाइकॉट बोल सकते हैं। अगर हम लीफ को देखते हैं तो लीफ में अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो वो डाइकॉट है, अगर वेनेशन पैरलर है तो वो मोनोकॉट है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन पैटर्न ऑफ लीफ वी कैन क्लासिफाई द प्लांट इन बिटवीन टू ग्रुप, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, करेक्ट? तो अब क्या है कि एंगुलर पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एंगुलर पेरेंटल ने कुछ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, उसके आधार पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, उसको बेस बनाया। ठीक है, अब वो जो कैरेक्टर्स थे उसमें उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस कैरेक्टर दोनों को कंपेयर किया है, तो हम समझते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसको एंगुलर पेरेंटल ने कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट, एंगुलर पेरेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया था एंटायर प्लांट किंगडम का, यानी कि फ्रॉम एल्गी प्रिमिटिव प्लांट्स टू एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म। तो देखते हैं उन्होंने कौन कौन से बेसिक आउटलाइंस लिए थे। दिस इज द फर्स्ट इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको। इट इज एन इवोल्यूशनरी सिस्टम प्रपोज सब्सिक्वेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जब डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी एक्सेप्ट किया गया तो उसके बाद इन्होंने अपना जो है क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने ये एज्यूम किया था फ्लावरिंग प्लांट वेयर पेरियंथ इज एब्सेंट, मतलब वो फ्लावरिंग प्लांट जहां पेरियंथ नहीं है यानी कि जहां कैलिक्स करोला नहीं है, जहां सेपल्स पेटल्स नहीं है, उसको इन्होंने कंसीडर किया दे आर इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव। मैंने बोला कि ये कुछ कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, तो इन्होंने कैरेक्टर कंसीडर किया कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जहां की सेपल्स और पेटल्स नहीं है, एब्सेंट है, वो इनकी नजर में क्या है? प्रिमिटिव। और ऐसे प्लांट जहां सेपल्स और पेटल्स या पेरियंथ प्रेजेंट है, वो प्लांट्स क्या है? एडवांस है। नाउ जिम्नोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड मोर प्रिमिटिव, हेंस प्लेस्ड बिफोर एंजियोस्पर्म। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को प्रिमिटिव कंसिडर किया, इसलिए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा है, बाद में इन्होंने एंजियोस्पर्म को रखा है। आपको रिलेट कर सकते हैं बेंथम हुकर सिस्टम से। ठीक है, मोनोकॉटिलेडंस प्रीसीड्स डाइकॉटिलेडन, इन्होंने मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव माना है इसलिए मोनोकॉटिलेडन्स को पहले रखा है, बाद में इन्होंने डाइकॉटिलेडन को रखा है अपने क्लासिफिकेशन में। द क्लास डाइकॉटिलेडनी वाज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, इन्होंने डाइकॉटिलेडनी को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज आर्चिक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी को इन्होंने एक और नाम दिया सिंपिटाली, सिंपिटाली का मतलब पेटल्स आर फ्यूज्ड। नाउ अभी जो मैंने बात कर रहा था फ्लावर्स विदाउट पेरियंथ, क्या कहा इन्होंने? एक्लेमाइडस, ऐसे फ्लावर्स जिसमें पेरियंथ नहीं है उसको बोला एक्लेमाइडस।
और ऐसे फ्लावर जहां पे एक वर्ल है पेरियंथ का, उसको बोला इन्होंने मोनोक्लेमाइडस, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इनका जो ये मानना था एंगलर पेंटल का कि फ्लावर विदाउट पेरियंथ दैट इज एक्लेमाइडस, और फ्लावर विथ सिंगल वर्ल ऑफ पेरियंथ दैट इज मोनोक्लेमाइडस आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव। ओके, यानी कि जहां पेरियंथ एब्सेंट है या पेरियंथ का सिर्फ एक वर्ल है वो प्रिमिटिव है, ठीक है। बट ऐसे फ्लावर्स जिसमें पेरियंथ के दो वर्ल हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड होते हैं सेपल्स और पेटल्स में, इसको उन्होंने बोला एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वहां पेरियंथ पाया जाता है, वहां सेपल्स और पेटल्स नहीं होते, और वो उसमें भी जो एडवांस मोनोकॉट्स होते हैं वहां सेपल पेटल्स भी नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने मोनोकॉट को इसीलिए पहले रखा क्योंकि फ्लावर विदाउट पेरियंथ आर प्रिमिटिव, ये मोनोकॉट का करेक्टर है, फ्लावर विदाउट पेरियंथ, और फ्लावर विथ पेरियंथ दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स, ये डाइकॉट का करेक्टर है। तो इन्होंने डाइकॉट को एडवांस माना है और मोनोकॉट को प्रिमिटिव माना है। हम आगे और डिटेल में देखेंगे इसको। नेक्स्ट करेक्टर इन्होंने जो कंसिडर किया था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिमिटिव देन बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर को इन्होंने बोला कि ये एडवांस है, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन, ऐसा एंगलर पेंटल का मानना था। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कंसिडर किया इन्होंने, एपोकार्पस यानी कार्पल्स आर फ्री रिगार्डेड एज प्रिमिटिव फीचर, जबकि सिंकार्पस यानी कि कार्पल्स आर फ्यूज आर रिगार्डेड एज एडवांस कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेक्स्ट चैलेंजोगेमी, मैंने डायग्राम भी बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चैलेंजोगेमी वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिमिटिव कैरेक्टर। आप जानते हैं कि जब यहाँ पे पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पे चैलेंजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी, ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि चैलेंजोगेमी जो था वो सबसे प्रिमिटिव टाइप था पॉलन ट्यूब के एंटर करने का ओव्यूल के अंदर, जबकि पोरोगैमी और मीजोगैमी को इन्होंने एडवांस कंसिडर किया था। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज हाइपोगाइनस कंडीशन इज मोर प्रिमिटिव देन इपिगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस फ्लावर, यहां पे मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि ओवरी सुपीरियर, ओवरी इज ऑन द टॉप पोजिशन। तो इन्होंने हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी को प्रिमिटिव माना था, जबकि इपीगाइनस कंडीशन को जहां पे कि ओवरी इन्फीरियर होती है, आप यहां देख रहे होंगे कि ओवरी सबसे नीचे है और बाकी के फ्लोरल पार्ट्स कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम तीनों ये जो हैं ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं इपीगाइनस। तो अकॉर्डिंग टू एंगलर पेंटल हाइपोगाइनस कंडीशन इज मोर प्रिमिटिव देन इपीगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट द फैमिलीज विथ नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड सिंकार्पस गाइनोशियम, फॉर एग्जाम्पल कैजोराइना, सेलिकेसी, बेटुलेसी, फेबेसी आर प्लेस्ड फैमिलीज हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर सच एज मैग्नोलियसी एंड रननकुलेसी। अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को इन्होंने प्रिमिटिव माना था। तो ऐसे फैमिलीज जहां पे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया गया, इसको इन्होंने बोला कि ये प्रिमिटिव है, और ऐसे फैमिलीज जहां पे बाइसेक्सुअल पाया गया जैसे मैग्नोलियसी और रैनुनकुलेसी, इसको इन्होंने कंसिडर किया कि एडवांस फैमिलीज हैं ये। नेक्स्ट दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पॉलीपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी वर प्लेस्ड अंडर ए सिंगल ग्रुप दैट इज आर्ची क्लेमाइडी। ये बहुत अच्छी बात थी। अगर आपको बेंथम हुकर सिस्टम याद हो, ना याद हो तो आप पढ़ भी सकते हैं हमारे वीडियो में जाके। बेंथम हुकर ने जो है पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली और मोनोक्लेमाइडी दिया था, उन्होंने मोनोक्लेमाइडी को इंट्रोड्यूस किया था, ये उनकी डिमेरिट थी। उस डिमेरिट को इन्होंने क्लियर किया और पॉलीपिटैली और मोनोक्लेमाइडी को एक ही ग्रुप में रखा, जिसको नाम दिया इन्होंने आर्ची क्लेमाइडी, और मेटाक्लेमाइडी में उन्होंने उन फैमिली को रखा जहां पे कि पेटल्स फ्यूज पाए गए, गैमोपिटैली कंडीशन, और उसको हम लोग सिम्पिटैली भी बोल सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनके पेटल्स फ्यूज थे, उसको इन्होंने बोला मेटाक्लेमाइडी। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स
were divided comparatively in large group on the basis of few character and several allele family are separated. उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को फ्लावरिंग प्लांट्स को बड़े ग्रुप में डिवाइड किया और उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स को लिया, जिसकी वजह से मतलब पूरे एंटायर फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स छूट गए, कुछ कम कैरेक्टर्स को लिए, 10-15 पांच कैरेक्टर को लेकर उन्होंने डिवाइड किया। इससे क्या हुआ कि ऐसे फैमिलीज जो कि एलील्ड थे, पहले वो एलाइंड थे, बाद में वो सेपरेट हो गए, वो आपस में मिलते जुलते थे लेकिन वो सेपरेट हो गए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था और कैरेक्टर्स को बहुत कम कंसिडर किया था डिवाइड करने के लिए। नाउ द एंगुलर प्रिंटर सिस्टम इज डोमिनेट ओवर ऑल प्रीवियस नेचुरल सिस्टम। हमने बताया कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के पहले जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल सिस्टम था, तो एंगुलर प्रिंटर सिस्टम ने सारे प्रीवियस नेचुरल सिस्टम को डोमिनेट कर लिया, सबसे ऊपर आया, लेकिन वो उसी पे बेस्ड था। मतलब एंगुलर प्रिंटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अदर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो उस समय नोन थे। इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन है क्या? व्हाट इज इवोल्यूशन? सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक की जर्नी को इवोल्यूशन कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक की जर्नी को इवोल्यूशन कहलाती है। सो इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट। ओके, द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ फ्लावर हैज नो पेरिएंथ, देन हाईएस्ट इवॉल्व्ड टाइप ऑफ फ्लावर हैज टू वर्ल ऑफ पेरिएंथ डिस्टिंग्विश्ड इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। बार बार इस लाइन को हाईलाइट में कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे प्रिमिटिव जो फ्लावर होगा वहां कोई पेरिएंथ नहीं होगा, कोई सेपल पेटल जैसी बात नहीं होगी, और जो सबसे हाईएस्ट इवॉल्व्ड मोस्ट एडवांस होगा वहां पे दो वर्ल पाए जाएंगे, जो कि एक सेपल्स का वर्ल होगा, दूसरा पेटल्स का वर्ल होगा, यानी कैलिक्स करोला आर क्लियरली डिस्टिंग्विश, क्लियरली सेपरेटेड, यू कैन एग्जामिन। आप जितने भी डाइकॉट प्लांट्स देखते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में आपको सेपल्स और पेटल्स अलग दिखेंगे, आप फ्लावर्स को लेके देख सकते हैं। नाउ गैमोपेटेलिक कंडीशन कंसिडर मोर एडवांस देन पॉलीपेटलस कंडीशन एंड द मोनोकॉटिलेडंस आर प्रिमिटिव प्लेस्ड बिफोर डाइकॉटिलेडंस। ये इनके बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये इनके पिलर्स हैं क्लासिफिकेशन को के। इन्होंने गैमोपेटेली को बोला कि ये मोर एडवांस है देन पॉलीपेटाली। इन्होंने मोनोकॉट को प्रिमिटिव माना इसलिए पहले रखा, डाइकॉट को एडवांस माना इसलिए बाद में रखा। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज नंबर ऑफ स्टेमेंस। इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स आर प्रिमिटिव। जहां पे इनडिफिनिट है, जैसे फैमिली मालवेसी अगर आपको याद हो, तो वहां पे इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस पाए जाते हैं तो वो प्रिमिटिव हो जाएगा, और डिफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स आर एडवांस कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एंगलर ब्रेंडल। मोनोकॉटिलेडनी has been classified into 11 order and 45 families. इन्होंने एंगलर पेंटल ने मोनोकॉटिलेडनी को क्लासीफाई किया था 11 ऑर्डर और 45 फैमिलीज में, जिसमें कि मोनोकॉटिलेडन्स आर स्टार्ट्स विथ बिगिंस विथ फैमिली टाइफेसी एंड एंड विथ फैमिली ऑर्किडेसी। सबसे पहली फैमिली जो इन्होंने ली थी मोनोकॉट्स में, दैट इज टाइफेसी, इसको इन्होंने सबसे प्रिमिटिव माना, और मोनोकॉट में जो सबसे एडवांस माना उन्होंने ऑर्किडेसी को माना। वेयर एज डाइकॉटिलेडनी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 44 ऑर्डर्स एंड 261 फैमिलीज। डाइकॉट को इन्होंने 44 ऑर्डर में क्लासिफाई किया था और 264 फैमिलीज में क्लासिफाई किया था, एंड डाइकॉटिलेडनी बिगिंस विथ कैजुराइनेसी एंड एंड्स विथ कंपोजिटी। डाइकॉट में सबसे प्रिमिटिव फैमिली कैजुराइना कैजुराइनेसी और सबसे एडवांस फैमिली कंपोजिटी। तो आप यहाँ पे इस डेटा में देख सकते हैं कि इन्होंने मोनोकॉट में 11 ऑर्डर को रखा और डाइकॉट में 44 ऑर्डर को रखा, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगुलर पेंटल ऑफ क्लासिफिकेशन टोटल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 55 ऑर्डर्स। टोटल 55 ऑर्डर्स में इन्होंने डिवाइड किया था डाइकॉट और मोनोकॉट को मिला के, और
टोटल जो फैमिलीज इन्होंने डिस्क्राइब की थी 45 ऑफ मोनोकॉटिलेडन एंड 261 ऑफ डाइकॉटिलेडनी, टोटल 306 फैमिलीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नाउ अब हम बात करते हैं एंगुलर पेंटल का क्लासिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली, जो आपको याद करना होगा और लिखना होगा आपके एग्जाम में। तो एंगुलर पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एंटायर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया था। एंटायर प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में वो स्टार्ट किए थे एल्गी से, जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, सबसे स्मॉलर प्लांट्स हैं, वहां से स्टार्ट किए थे लोअर प्लांट से, और दिया था इन्होंने हेंजियोस्पर्म तक यानी हायर प्लांट को। तो टोटल प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया था 14 डिवीजन में, 14 डिवीजन में डिवाइड किया था, एंड दीज आर द 14 डिवीजन स्टार्टेड फ्रॉम साइजोफाइटा टू एम्ब्रियोफाइटा और साइफनोगैमिया। ठीक है, इन्होंने जो 14 किंगडम दिए थे, प्लांट किंगडम को 14 डिवीजन में डिवाइड किया था। डिवीजन फर्स्ट इज साइजोफाइटा, डिवीजन सेकंड इज मिक्सोमाइसीज, डिवीजन थर्ड इज फ्लैजिलेटी, देन डाइनोफ्लैजिलेटी, देन हेट्रोकॉन्टी, देन बेसिलरियोफाइटा, कॉन्जुगेटी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आप इसे देख रहे होंगे, ये सारे एल्गी हैं। यूमाइसीज, यूमाइसीज मीन्स, यूमाइसिटीज मीन्स फंजाई। आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिएट मतलब जहां आर्चिगोनियम पाए जाते हैं, यानी कि ब्रायो एंड टेरिडो एंड एम्ब्रियोफाइटा, आप जानते हैं सीडेड प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो साइजोफाइटा इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैंने बताया कि इन्होंने एल्गी से शुरू किया था, तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मिक्सोमाइसिस कंटेन स्लाइम मोल्ड्स एंड देन ऑल अप टू रोडोफाइसी आर एल्गी। ये सारे यहां से डिवीजन फर्स्ट से डिवीजन 11th तक ये सारे एल्गी हैं, लोअर प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, स्लाइम मोल्ड्स है एंड साइनोबैक्टीरिया है, मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लाइक दैट। आप पढ़ेंगे डिटेल इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज यूमाइसिटीज मींस फंजाई। नेक्स्ट डिवीजन 13 कंटेन्स आर्चिगोनिएट्स मतलब ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, and the 14th is embryophyta that is siphonogamia, they contain seeded plant that is gymnospermy and angiospermy। तो अब हम siphonogamia या embryophyta को डिटेल में लेके जाएंगे, siphonogamia या embryophyta को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि embryophyta का फर्दर क्या डिवीजन इन्होंने किया था, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ angiosperm पढ़ना है। एंगुलर पेंटल ने डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दिया था। नाउ डिवीजन 14 या एम्ब्रियोफाइटा या साइफनोगैमिया, यहां पे एक ऑब्लिक होना चाहिए, आप इसे लगा लेंगे, इसे हम एम्ब्रियोफाइटा या साइफनोगैमिया कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इन्होंने जो है डिवाइड किया था एम्ब्रियोफाइटा को दो सब डिवीजन में, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड किया था दो सब डिवीजन में, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, दोनों सीडेड प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म भी सीडेड प्लांट है और एंजियोस्पर्म भी सीडेड प्लांट है। तो एम्ब्रियोफाइटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन्स दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म्स कंटेन 55 ऑर्डर्स एंड 306 फैमिलीज। नाउ फर्दर एंगुलर पेंटल डिवाइड एंजियोस्पर्मी इंटू टू क्लासेस दैट इज मोनोकॉटिलेडनी एंड डाइकॉटिलेडनी। मोनोकॉटिलेडनी कंटेन्स 11 ऑर्डर एंड 45 फैमिलीज, डाइकॉटिलेडनी कंटेन्स 44 ऑर्डर एंड 261 फैमिलीज। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन मोनोकॉटिलेडनी पेंडनेल्स फैमिली पेंडेसी, मोनोकॉटिलेडनी में 11 ऑर्डर थे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर था वो था पेंडनेल्स फैमिली पेंडनेसी, एंड द एडवांस मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ फैमिली क्लास जो है मोनोकॉटिलेडनी इज ऑर्डर 11th माइक्रोस्पर्मी फैमिली ऑर्किडेसी। ठीक है, हमने फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है, बाकी डिटेल क्लासिफिकेशन अभी आपको आगे मिलेगा। And here is the dicotyledony. Dicotyledony further divided into
44 ऑर्डर्स एंड 261 फैमिलीज एंड द क्लास डाइकोटिलेडनी को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया था सब क्लास दैट इज आर्चिक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी कौन थे, जिसमें क्लोरीपिटाली था एंड एपिटाली था, यानी कि पेटल्स इसमें एब्सेंट थे, और मेटाक्लेमाइडी जो था इसमें सिमपिटाली था, जहां पेटल्स फ्यूज थे। आर्चिक्लेमाइडी कंटेन्स 33 ऑर्डर्स एंड 201 फैमिलीज, मेटाक्लेमाइडी कंटेन्स 11 ऑर्डर्स एंड 60 फैमिलीज। एंड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर्चिक्लेमाइडी इज वर्टिसिलेटी एंड 33, यानी कि लास्ट ऑर्डर ऑफ आर्चिक्लेमाइडी इज अम्ली फ्लोरी, जबकि मेटाक्लेमाइडी का जो पहला ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर दैट इज डाइपेनल्स, एंड द 11th ऑर्डर इज कंपेन्युलेट। ये क्लासिफिकेशन का आउटलाइन है। एंग्लर पेंटल ने एम्ब्रियोफाइटा को इस तरीके से डिवाइड किया था, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, दो सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को दो क्लासेस में डिवाइड किया, मोनोकॉटिलेडनी डाइकॉटिलेडनी, फिर डाइकॉटिलेडनी को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, टोटल 306 फैमिलीज थे, 55 ऑर्डर्स थे, 55 ऑर्डर्स में से 11 ऑर्डर मोनोकॉटिलेडनी में थे, 44 ऑर्डर डाइकॉटिलेडनी में थे। डाइकॉटिलेडनी में जो सब क्लासेस हैं, आर्चिक्लेमाइडी 33 ऑर्डर्स एंड मेटाक्लेमाइडी 11 ऑर्डर्स। अब इनके डिटेल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ना होगा, और आप पढ़ भी सकते हैं यहां से चाहें तो। डिटेल क्लासिफिकेशन यहां लिखा हुआ है, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी के 7 क्लासेस और हर क्लास में कितनी फैमिलीज हैं, उन सब के नाम लिखे गए हैं। जो फर्स्ट फैमिली है उनके नाम लिख दिए गए हैं, बाकी जो ज्यादा फैमिलीज हैं उनके नंबर लिख दिए गए हैं। तो दिस इज द डिटेल क्लासिफिकेशन, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा और साइफनोगैमिया, यहाँ पे एक ऑब्लिक होना चाहिए, आप इसे ऐड कर लेंगे, मेरा छूट गया है, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी के क्लास मोनोकॉटिलेडनी, स्टार्टेड विथ टाइफिएसी एंड एंडेड विथ ऑर्किडिएसी एंड हैविंग 11 ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स हैव रिस्पेक्टिव 3, 7, 1, वट एवर फैमिलीज हैव रोट हियर। नाउ क्लास डाइकॉटिलेडनी स्टार्टेड विथ कैजुराइनेसी एंड एंड विथ कंपोजिटी, द डाइकॉटिलेडनी हैज बिन डिवाइडेड इंटू आर्चिक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी कंटेन्स 33 ऑर्डर्स एंड मेटाक्लेमाइडी कंटेन्स 11 ऑर्डर। हियर इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एंग्लर एंड पेंटल। अब हम बात करते हैं मेरिट और डिमेरिट की। क्लासिफिकेशन सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका मेरिट और डिमेरिट इंपॉर्टेंट है। जितना आप क्लासिफिकेशन सिस्टम को ध्यान से पढ़ते हैं और याद करते हैं, आपको उतने ही ध्यान से मेरिट और डिमेरिट को भी पढ़ना चाहिए। उसी के बेस पे नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आप आगे जाके पढ़ते हैं, और मेरिट डिमेरिट से अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एंग्लर पेंटल क्लासिफिकेशन। नाउ पहले बात करेंगे मेरिट की। मेरिट यानी कि जो गुड थिंग्स थे इनके। दिस इज कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज यूज बाई सेवरल हार्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। तो सबसे पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, तो जितने बड़े हार्बेरिया थे उन्होंने इसको फॉलो किया, और कुछ तो आज तक भी फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि पॉलीपिटेली और मोनोक्लेमाइडी और बेंथम हुकर दोनों को मर्ज कर दिया एंग्लर पेंटल ने एक ग्रुप में, जिसको बोला इन्होंने सब क्लास आर्चिक्लेमाइडी। आप अगर बेंथम का सिस्टम पढ़ेंगे तो मोनोकॉटिलेडन उनके डिमेरिट में है, सॉरी मोनोक्लेमाइडी उनके डिमेरिट में है। बेंथम हुकर को मोनोक्लेमाइडी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, जबकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसी डिमेरिट को इन्होंने क्लियर किया, तो ये इनकी मेरिट हो गई। दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिस्टम ट्रीटेज फैमिलीज सच एज ऑर्किडेसी एंड कंपोजिटी आर एडवांस फैमिलीज। ये एक अच्छी गुड थिंग्स रही। ऑर्किडेसी को
बेंथम हुकर ने प्रिमिटिव बताया था. एंड द इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेवरल क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जैसे लिलिएसी, जूनसिएसी, इरिडेसी आर ट्रीटेड एज क्लोज टू अनदर. ये सारे जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थे, क्लोजली रिलेटेड थे ये सब, इन सबको इन्होंने एक साथ रखा. एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एग्जॉस्टिव कीज ऑफ फैमिलीज एंड ऑर्डर्स. इन्होंने कुछ की कैरेक्टर्स बताए जिसके आधार पर फैमिलीज को और ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना बहुत आसान हो गया. एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो कंटेन्स डिस्क्राइब ईच फैमिली विथ Describe each family also contains summary of embryology, morphology, anatomy and geographical distribution. इन्होंने हर फैमिली की मॉर्फोलॉजी बताई, एम्ब्रियोलॉजी बताई, एनाटॉमी बताया और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया. इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए, कंसिडर करते हुए इन्होंने क्लासीफाई किया था. तो दीज आर द मेरिट ऑफ एंगलर पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन. अब बात करते हैं इनकी डिमेरिट यानी बैड थिंग्स क्या थी. These are the demerits and bad things of Engler-Pentel system of classification. जो सबसे important demerit है वो पहला है, जिसको इन्होंने बाद में clear कर लिया था. Monocots has been placed before dicots in this system. मैं बार बार बता रहा था, इन्होंने monocot को पहले रखा, monocot को पहले रखा, जबकि आज का जो latest classification है, जो most acceptable classification है, उसमें monocot को advanced माना गया है. Phylogenetic की बात कर रहा हूँ. तो एंगलर पेंटल ने मोनोकॉट्स को पहले रखा, डाइकॉट्स को बाद में रखा. लेकिन इन 1964 इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, इस सिस्टम में ही इसको रिवर्स कर दिया गया. और 1964 में सिलेबस डर प्लेंज फैमिलियन जो इनकी किताब आई, उसमें इन्होंने इस गलती को सुधार ली और डाइकॉट को पहले किया और मोनोकॉट को बाद में किया. Next, naked flowers of Amanita fairy has been treated primitive in this system. Naked flower, मतलब flower without perianth, naked उसी को कहेंगे. ऐसा flower जिसके पास calyx corolla नहीं है, उसको naked माना जाता है. तो इस system में उसको primitive बोला गया है. Ericaceae are derived from Liliaceae, but Engler-Pentel placed Ericaceae before Liliaceae. तो एरिकेसी जो कि लिलिएसी से डिराइव हुआ है, तो लिलिएसी के बाद उसको होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, एरिकेसी को पहले रखा. एंड दिस सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस ऑफ रिडक्शन. इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ रिडक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को सिंपल बोला गया और ये प्रिमिटिव बोला गया एज अकॉर्डिंग टू कॉर्नक्विस्ट. कॉर्नक्विस्ट का क्लासिफिकेशन उस समय आया जो कि ज्यादा एडवांस था, इसलिए इसको प्रिमिटिव बोला गया. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसिंग ऑफ सर्टेन डाइवर्स फैमिलीज टुगेदर. कुछ ऐसे फैमिलीज को इन्होंने एक साथ रखा जिनके कैरेक्टर मैच नहीं करते, जैसे कुकुरबिटा और कंपोजिटी. कुकुरबिटा कहाँ है, कंपोजिटी कहाँ है, दोनों के कैरेक्टर कहाँ है, बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने कुकुरबिटा और कंपोजिटी को एक साथ रखा. तो ये इनके डिमेरिट्स थे. दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ एंगलर पेंटल क्लासिफिकेशन. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो भी आपको नए वीडियोज़ हो उसके अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू सो मच.